अस्सलाम वालेकुम आदाब तमाम करीमनगर और तेलंगाना के मेरे व्यूवर्स, सच की और हक की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज इशू है LRS का। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से लैंड रेगुलेशन का जो स्कीम है उसके ऊपर एक जियो बनाई है, जियो नंबर 31, जो 2020 यानी के बगैर के लैंड से ये सबको रेगुलराइज करने के लिए एक स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट ने निकाली है। उसके साथ साथ तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक ख़तरनाक एकदम ये किया है कि LRS के रेट्स भी डिक्लेयर किए हैं, और कल ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा बंद कर दिया गया है। तो उसके बाद अब क्या स्टेप होगा, या असेंबली में फिर कैबिनेट में क्या डिसाइड होगा, वो सब आपके सामने आ सकता है। लेकिन लैंड के इश्यूज़ में जो इंसान की ज़रूरियात है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। हर इंसान कुछ कम खा के या कुछ कम पहन के अपना एक घर बनाना चाहता है, छोटी सी ज़मीन लेना चाहता है। तो उनके लिए आज जो मुश्किलात पैदा होंगे उसके लिए मैं आपके सामने कुछ एक रेगुलरेशन सिस्टम, LRS का जो सिस्टम है उसके ऊपर आता हूँ। ठीक है, LRS का सिस्टम मतलब जो भी लैंड जो है वो लीगल तरीके से होंगे, लेकिन फीस में इतना ख़तरनाक इजाफा किया गया है कि आप लोग अगर उसको डिटेल में देखेंगे तो बहुत इंतहाई परेशानी की आलम में लोग हैं। एक सिस्टम जो गज का सिस्टम है हमारे पास, एक गज ज़मीन अगर 3000 रुपये के अंदर है, 3000 तक है, और उसका 25% LRS बनना है। आप अगर खाली हैं तो कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में और हिसाब करिए। अगर 3001 रुपये से 5000 तक का अगर गज का रेट है, गवर्नमेंट रेट जो कहलाता है, उसके ऊपर 50% आपको LRS बनना है। और फिर 5000 से ज़ायद 10000 तक का जो रेट फिक्स किया गया है वो 75% LRS, और फिर 10000 रुपये गज जो रहेगा रेट, इसके ऊपर 10000 उसको 100% LRS बनना पड़ेगा। तो LRS का सिस्टम जो हो सकता, लोग सोच रहे होंगे कि LRS का सिस्टम जो ज़मीन लेता लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की उसके लिए है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो स्लम एरिया से उसका भी रेट फिक्स किया गया, स्लम एरियाज में 5% LRS बनना है, यानी कि गरीब जो झोपड़ी डाल लेगा उसको भी LRS बनना है, उसको 5% LRS बनना है। हो सकता गवर्नमेंट की वैल्यू वहाँ पे क्या है उसके हिसाब से। और दूसरी चीज़, 100 गज जो ज़मीन लेना चाह रहा उसके लिए गज पे 300 रुपये, और जो 200 गज लेना चाह रहा उसको 600 रुपये LRS बनना पड़ेगा, का LRS बनना पड़ेगा। तो आवाम के ऊपर गवर्नमेंट हुकूमत तेलंगाना ख़तरनाक बोझ डाल रही है, बोझ डालकर इनकम के ज़रिए बताने के बजाय टैक्स कैसा वसूला जाए, काटा जाए, लोगों के जेब से पैसा कैसा निकाला जाए उसके ऊपर है। और बहुत सारे लोगों का थिंकिंग ये है कि रेगुलर सिस्टम जितने भी इलीगल तरीके से जो कब्जे हुए हैं और फिर गवर्नमेंट्स के लैंड्स जो कब्जे हुए हैं, ये सब के जितने भी हज़ारों सवो एकड़ जिसके पास है, वो लोग अगर LRS बन लिए तो उनको पक्का ज़मींदार माना जाएगा। तो ये भी इस स्कीम के, ये भी LRS की जो नई पॉलिसी है उसका एक हिस्सा है। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से हम ये डिमांड करते हैं कि ये जो रेट्स रखे गए हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है, और बहुत ज़्यादा रेट्स हैं जो एक गवर्नमेंट को आवाम के हक में सोचना चाहिए। तो मैं तमाम तेलंगाना के आवाम से भी ये अपील करता हूँ कि जब आप ज़मीन लेने जाएंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा ये। तो पूरी आवाम इसके ऊपर आवाज़ उठाए, क्योंकि असेंबली सेशन चल रहा, रेट्स को कम करने की अपील की जाए, डिमांड की जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर रहेगा तो आवाम अपनी जेब खाली करके बहुत परेशान रहे।